तो पहली बात तो जौनपुर से भदोही, ये हमारे बीपी सरोज जी ने मांग की थी 800 करोड़ की रोड की, इसका प्रारंभ हो चुका है काम का। और सई नदी पर पुराने पुल के बगल में दो लून नया पुल बनेगा, इससे ट्रैफिक जाम की समस्या भी हल होगी। भदोही से मिर्जापुर फोर लेन सड़क बनेगी और पूरा मार्ग में विध्यांचल अयोध्या जाने जाने के लिए बहुत सुविधा होगी। मछली शहर से भदोही 700 करोड़ का ये मार्ग बनने से कनेक्टिविटी बेहतर हो जाएगी, उसको भी काम अवार्ड हो गया है। जौनपुर से गोमती 211 मीटर, ये जो 27 करोड़ का है, ये भी काम, ये पुल का मैंने मंजूर किया है। जौनपुर से सुल्तानपुर ये 2100 करोड़ का काम है, चार लेन रोड का निर्माण मार्च 2023 में पूरा हो जाएगा। जौनपुर से वाराणसी 63 किलोमीटर 2500 करोड़ का काम है, नवंबर 2022 में ये काम पूरा हो जाएगा। जौनपुर से अकबरपुर अयोध्या तक 140 किलोमीटर 2500 करोड़ का रोड है। जौनपुर से अकबरपुर तक 75 किलोमीटर का DPR बन गया है और इसी साल ये काम जल्दी शुरू हो जाएगा। जौनपुर से आजमगढ़, ये भी काम को मेंटेन करने के बाद लिखा था उन्होंने, जौनपुर से मुंगरा बादशाहपुर प्रयागराज, सीमा जी ने इसकी मांग की थी 85 किलोमीटर 850 करोड़ का, इसका काम को मैंने मंजूरी दी है और DPR बनकर इसी साल इसका भी काम शुरू होगा। जौनपुर का रिंग रोड बहुत इम्पोर्टेंट है, 2000 करोड़ का 50 किलोमीटर फोर लेन रिंग रोड है, उसका 2023 में DPR बनने के बाद तुरंत टेंडर निकालकर काम हो जाएगा। इसे 19 किलोमीटर के पहले जो बाईपास से जोड़कर रिंग रोड बनाया जाएगा, जौनपुर लखनऊ बाईपास से पूर्व की ओर यह रिंग रोड पूर्वांचल विश्वविद्यालय तक बनेगा, जो आपके लिए आवश्यक है। लखनऊ मार्ग से पश्चिम की तरफ 12 किलोमीटर का DPR भी बन रहा है और इसी रिंग रोड बनने से मिर्जापुर अयोध्या प्रयागराज का ट्रैफिक बाहर से निकल जाएगा। मैं जौनपुर में 2 ROB को मंजूरी दे रहा हूँ। जौनपुर में जगदीशपुर एवं नईगंज में नए रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण किया जाएगा, मुझे लगता है इससे आपके बहुत प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। मुझे कुछ ज़्यादा मालूम नहीं था और मैं तो यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम के लिए आया था, पर मेरा विश्वास है कि मैंने ये बता चुका हूँ कि 2024 समाप्त होने के पहले UP का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर होगा। मुझे आज गंगा देखने के लिए मिली, वाराणसी से हल्दिया मैंने जलमार्ग बनाया था और इससे काफ़ी मेरा प्रयास था कि यहाँ का फ्रूट्स वेजिटेबल एक्सपोर्ट हो। आज मैंने वहाँ के MP से वीरेंद्र सिंह जी, बाकी लोगों से भी बातचीत की, अपने दोनों MP यहाँ बैठे उनसे बात करूँगा।